आज अनु के स्कूल में हो गया टॉय डे और कल है मदर्स डे सेलिब्रेशन, तो कल मम्मा जाएगी अनु के साथ, मैं भी चलूंगी आपके साथ, है ना। कल मैं इसके स्कूल में जाऊंगी मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए। अनु परसों से, जब से इसको पता चला तब से बहुत एक्साइटेड है। आर यू एक्साइटेड? नो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा कॉपी रैबिट शुरू हो चुका है। सो हम जा रहे हैं अनु के स्कूल, क्योंकि आज है स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन, तो आज मम्मा भी अनु के साथ रहेगी। अनु बहुत एक्साइटेड है। और फनी, ये तो फनी नहीं था, हम लोगों का फर्स्ट मदर्स डे सेलिब्रेशन है स्कूल में। अनी, आप मुझे अपनी क्लास बता देना, ठीक है? ओके। मम्मा तो आपके साथ ही चलेगी ना आज, तो मम्मा को साथ ही चलना है। कह रहा मैं तो अकेले ही जा रहा था, सॉरी। आज तो मम्मा को आपके साथ ही रहना है, ठीक है? कम सेलिब्रेशन से वापस मजा आया था। आज तो आपने बहुत डांस करा, है ना? टैटू दिखाओ अपना, टैटू बनवाया था अनु ने, बनवाया बीटल, हार्ट वाला बीटल, और पूरा हटा दिया बीटल, है ना? लेकिन मजे बहुत करे। और हमने जीता प्राइज, मेमोरी गेम में जीता है हमने ये प्राइज, पता है आपको? जो हम मेमोरी गेम खेल रहे थे ना, उसमें हमने प्राइज जीता। अभी इसको खोल के देखते हैं। मम्मा जो मेमोरी गेम खेल रही थी, जब मैं आपसे कह रही थी मुझे बताना, उसमें जीता मम्मा ने ये। मेरा है। आपका? खोलो आप। खोलो। ये मिला है मम्मा को बॉक्स, रुको, ये बॉक्स मिला है, इसके अंदर टिफिन्स हैं। तो गाइस, आ चुके हम घर पर, अभी बजे दोपहर के 12। बहुत मजा आया स्कूल में। सो आज पहली बार मैं उसकी क्लास के बाकी बच्चों की मदर से मिली। वो सोशलाइज होना, जेलअप होना बड़ा अच्छा लगता है। एंड टीचर्स के लिए हेड्स ऑफ यार, वो इतनी मेहनत करते हैं, क्राफ्ट एंड ऑल सब कुछ बनाते हैं। अब दूसरी क्लास का होगा तो उनके लिए बनाएंगे, उनके लिए गेम सोचना, दे आर सो हार्ड वर्किंग। सो हेड्स ऑफ टू ऑल दी टीचर्स। और बच्चे मैम से इतना अटैच होते हैं, मतलब कुछ बच्चे मैं वहाँ पे देख रही थी जो मदर का हाथ छोड़ के मेरी मैम है, मेरी मैम है, दे आर सो एक्साइट। सो अभी टाइम हो चुका मेरे ऑफिस का, सो फटाफट चेंज करके पहले ऑफिस का काम शुरू करते हैं। मैं अभी पहले सेट कर देता हूं ना, तब मैं अनु को कैमरा। गाइस, यहां चल रही है एक एक्टिविटी, हमारी समर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, जिसमें से आज है फर्स्ट डे और आज अनु करेगा फोटोग्राफी। अनु ने खुद ही डिसाइड किया कि आज मुझे फोटोग्राफी करनी है। बहुत एक्साइटमेंट में पापा ये, क्योंकि ना इसको फोटोग्राफी करनी है। अनु का फेवरेट काम है फोटोग्राफी करना। और मॉडल हूँ मम्मा, मम्मा ना तो मुझे कपड़े चेंज करने दे रहा है, मम्मा ऐसे ही करना। यू लव इट अनी। हाँ कर लेना, अभी कैमरा सेटअप हो चुका है और अब अनु भी यहाँ पे मेरे फोटो शूट करेगा। अनु मैं क्या पहन के करवाऊ? यही कपड़े? यार मैं गंदी लग रही हूँ, मेकअप करूँ कि नहीं? लो ऐसे, कैसे पोज, कैसे देना पोज? ऐसे पोज देना, और ऐसे देना है, और कुछ सब तरीके से। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, अभी नहीं शैल वी स्टार्ट? ओके, अभी कैमरा सूट अप, हाँ थोड़ा नीचे कर दो। हम ना डेली अनु को एक एक्टिविटी दिया करेंगे अब, और वो परफॉर्म कराया करेंगे, बिकॉज अनु की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं एंगेज तो कर। आप सुनो मेरी बात बेटा, पापा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे ना कैसे करना है। जो पापा बोल रहे हैं ना पहले फॉलो करो। अनी अब बताओ, ये मैंने खिंचवाया, आप कौन सा पोज करूं? अनी पोज बेटा, एक बार मैं पोज बताओ, ऐसे पोज, ठीक है ऐसे पोज, ठीक है ये लो खींचो, पोज कर लिया मैंने, ऐसे करके पोज करूं, ओके खींचो, वेरी गुड। ये हो चुका है गाइस हमारा फोटो शूट, और अनु ने पता नहीं कैसे कैसे पोज दे दे के फोटो खींचे। ये देखो आप, ना तो मेरे को कपड़े, ये मेरा फोटोग्राफर ऐसा है जो चेंज भी नहीं करने देता कपड़े। ये देखिए, हनुमान जी पोज में, स्पाइडरमैन पोज में, पता नहीं कितने फोटो खींचे गए हैं। मजा आया? चलो देख लो।